दोस्तों, मैं चुड़ेश्वर महाराज के दर्शन के लिए निकला हूँ और अपनी निजी कार से जा रहा हूँ अपने परिवार सहित। और ये उत्तराखंड में स्थित एक विकास नगर जगह है जहाँ से मैं निकला हूँ अपने आवासीय घर से, और पहाड़ी रास्तों से होते से यहाँ जाना पड़ता है। 6 से 7 घंटे का सफ़र आपको बाई रोड तय करना होता है, और उसके बाद आपको यहाँ जहाँ पर गाड़ी रुकती है वहाँ से फिर पैदल का सफ़र ऊपर 18 किलोमीटर के लगभग है, और बहुत ही दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। उतने सुगम रास्ते भी नहीं हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत ये 12 से 13 हज़ार फीट की हाइट पर जो शिव का मंदिर है, यहाँ लोग बहुत सारे श्रद्धालु उत्तराखंड से हिमाचल से जाते हैं, और लोकल लोग उनको कुल देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं अपने गाड़ी से जा रहा हूँ, और इधर ये जो रोड है ये टोंस नदी से बगल से होते हुए एक रोड जा रही है। बहुत मनोरम दृश्य है, प्रकृति के बीच से होते हुए निकल रहा हूँ, और रास्ते में एक आध व्यक्ति ही मुझे दिखाई देता है, क्यों जो हो सकता है गांव का व्यक्ति हो और घास पत्ती के लिए इधर जंगल में जा रहा हो। और देखा आपने, रास्ता थोड़ा सा संकीर्ण भी है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। रिस्क है थोड़ा चलने में, अगर आपकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाले बोर्ड यहाँ बहुत सारे लगे होते हैं, लेकिन आपको बड़े सावधानी से पूर्वक गाड़ी चलानी होती है। मेरा बेटा अभी ड्राइविंग कर रहा है, मैं पीछे से अपना वीडियो भी बना रहा हूँ, इन खूबसूरत दृश्यों को आपको दिखा रहा हूँ कि आप भी भविष्य में ज़रूर इस रोड के रास्ते आप भिंगम दृश्य देखते हुए आप उस प्रभु के दर्शन करने जाएंगे जो बहुत ऊंची चोटी पर विराजमान है, जहाँ पर जून के महीने में भी सर्दी के कपड़े पहनने पड़ते हैं, और वहाँ बहुत सारे भक्त इतने विकट परिस्थितियों में भी हर उम्र के व्यक्ति जाता है। कोई मान्यता के हिसाब से नंगे पैर भी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है और पहुँच भी रहे हैं। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि एक प्रभु के प्रति लोग कितने विश्वास के साथ यात्रा करते हैं। और मैं अभी आपको ये जो डैम पड़ता है रास्ते में, एक अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ एक डैम है जो आज़ादी से पहले बना है, उसके खूबसूरत दर्शन भी कराऊंगा। वहाँ 2 मिनट के लिए हम रुकेंगे, और आप देखोगे कि आज से 70-80 साल वर्ष पूर्व ये डैम बना है, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, और अंग्रेज़ों ने इसको, देखो बहुत खूबसूरत डैम है ये, हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर पे बना है, जो दोनों ही नदियाँ प्रदेशों की है, जो उत्तराखंड में भी पानी की कमी पूरी करती है और हिमाचल में भी। बहुत लंबी झील है, इससे आगे भी आपको एक डैम प्रस्तावित है जो दसौर डैम के नाम से कहा जाएगा, और भविष्य में वो बहुत बड़ा डैम बनेगा। लेकिन मुझे दुख होता है कि इतना खूबसूरत जगह को, फिर एक संस्कृति को ख़त्म हो जाएगी जैसे टिहरी डैम में ख़त्म हुई है, क्योंकि कहीं सारे गांव यहाँ पर अपनी संस्कृति खो देंगे जो डूब क्षेत्र में आएंगे, पलायन हो जाएंगे। और जैसा कि सरकार द्वारा कई बार इस पर विरोध भी हुआ है, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, ऊर्जा की कमी हमें बांधों के द्वारा ही पूरी करनी होगी, और ऊर्जा ही हमारी विकसित भारत की नींव रखेगी। लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक दूसरी झील बहुत ही बड़ा आकार लेगी, जिसमें हमारे बहुत सारी ज़मीनें भी जाएगी, बहुत सारे गांव डूबेंगे, बहुत सारी विरासत ख़त्म हो जाएगी, एक संस्कृति फिर हम खोने के कगार पर नहीं। उत्तराखंड में जैसे टिहरी डैम से हमारे पूरी विरासत ख़त्म हो गई थी, आज वहाँ झील ही झील है, पानी ही पानी है, वहाँ ना वहाँ के लोग वहाँ हैं, ना वहाँ की पहचान वहाँ है,
कुछ नहीं है, सिर्फ यादों में ही है वो सब चीज़ें बसी है, वो भी किताबों तक ही आने वाले समय में सीमित रहेगी। आने वाली पीढ़ी सिर्फ पढ़कर ही उसको जान सकती है, लेकिन आज भी वहाँ की पीढ़ी जो वहाँ से विस्थापित हुई है उनको दर्द अभी भी सता है कि हमारे यहाँ गांव थे, हमारे यहाँ पर कुल देवता थे, कुल देवियाँ थी, अपनी ज़मीन थी, दादा परदादा थे। शायद यहाँ भी इस डैम के बनने के बाद ये सब चीज़ें किताबों तक ही सीमित रह पाएगी। तो मैं बेटे को भी बता रहा हूँ कि बेटा यहाँ एक बहुत बड़ा डैम बनने जा रहा है जिसमें बहुत सारी ज़मीनें हमारे लोगों की, हमारे क्षेत्र के लोगों की डूब जाएगी, और इसमें बहुत सारे पशु पक्षी भी इसमें विलुप्त हो जाएंगे, बहुत सारी जीविकाएं ख़त्म हो जाएगी। इन पहाड़ों को जो हम बड़े खूबसूरत तरीके से देख रहे हैं, शायद ये भी आधे अधूरे ही हमें दिखाई देंगे, क्योंकि डैम अगर विकास की नींव रखता है तो विनाश की नींव भी एक डैम तैयार करता है। भविष्य में बहुत सारे भूकंप आएंगे भी, आते भी रहे हैं, और उन भूकंप से बहुत सारी चीज़ें विकास की यात्रा में विनाश भी करती है। मुझे अफसोस होता है कि सरकार की, देखो ये कौन जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर जैसा मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, पहले भी मैं आया हूँ, बहुत सारे किस्म की फसलें होती है, करोड़ों रुपए का यहाँ पर टमाटर पैदा होते हैं, और एक बहुत समतल ज़मीन है इतनी ऊंचाई पर। ये 2 से 2.5-3 हज़ार बीघा ज़मीन मैं कह सकता हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी हो। यहाँ के लोग बड़े संपन्न हैं, लेकिन ये भी इस बांध के विरोधी हैं, क्योंकि इनकी इतनी जो नियमित रूप से रोज़मर्रा की ज़िंदगी और फसल पानी यहाँ उगाते हैं उससे इनका भरपूर मात्रा में फ़ायदा होता है। और लेकिन एक फसल में कहते हैं टमाटर यहाँ करोड़ों के बेचे जाते हैं, एक एक परिवार यहाँ 10-15 लाख के टमाटर ही टमाटर बेचता है। तो ये देखो ये यहाँ पर ये हिमाचल और उत्तराखंड बॉर्डर पे ये जो पुल बना है, इस पुल से हम अब हिमाचल की तरफ मूव करेंगे, और यहाँ पर ये पौंस नदी है जो बहुत तेज़ बहाव के साथ चलती है, और कहीं कहीं बहुत इसमें गहरा पानी भी है। बरसात के दिनों में तो ये बहुत ही असाधारण रूप ले लेती है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं घटती है, कभी कभी पुल तक बह जाते हैं। ये पुल अभी नया ही बना है, और यहाँ एक आपको बोर्ड भी मैं दिखा रहा हूँ, सामने हिमाचल में आपका स्वागत है। ये मिनस होते हुए निकलेगा, इसको शायद मिनस जगह भी कहा जाता है, और बहुत छोटा सा पुल है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पर। जिससे ये आने वाले समय में ये सब डूब जाएगा उस डैम के बनने से, और मुझे यही पीड़ा अंदर ही अंदर सता रही है कि देखो ये खूबसूरत हाईवे बनाए हैं, बॉर्डर का ये सबसे बड़ा हाईवे है। यहाँ पर हमने चेक पोस्ट पे कुछ पेमेंट भी करी है, उस दृश्य में आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन ये हिमाचल का बॉर्डर एरिया है, बहुत खूबसूरत शानदार रोड बनाया है। ये चीन सीमा से लगता हुआ ये रोड है जो हमें सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ा ही अहम कहा जाता है, और ये काफ़ी लंबा है। मैं अब यहाँ पर एक एक्सटेंशन रोड है जो नेरवा की तरफ गई है, जहाँ पर हम उस मंदिर के लिए पहुँचेंगे, वहाँ पर हम थोड़ा सा रुके, और हम नारियल पानी अपने विकास नगर से देहरादून से ही साथ लेकर आए थे, क्योंकि इधर नहीं मिलता है, इधर जो भी चीज़ मिलती है बड़ी महंगी भी मिलती है। हालाँकि ये मैडम है हमारी, बड़ी मेहनत से इसने काटा है इसको, और हम इसका खाने का आनंद भी लेंगे। लेकिन नीचे ये जो छोटी सी नदी है, ये चूड़धार से आती है जो बहुत बड़े देवदार के जंगल से निकलती है, जिसको मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगा भी। ये बहुत, मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, और बड़ा ही वन वे रोड है, इसको पार करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर कोई दूसरी गाड़ी अगर सामने से आ रही हो तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो उसको सोच समझ कर यहाँ ड्राइविंग करनी होती है, और हॉर्न बजाकर और साइड में रोककर ही पास देने का इसमें फ़ायदा है। अगर कोई थोड़ा सा भी रिस्क लेगा तो वो सही नहीं होगा, इसलिए बड़ा ही संकीर्ण रोड है, और पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। इसमें पहाड़ आगे की तरफ झुक रहे हैं और रोड अंदर की तरफ कटी है, तो
कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं पहाड़ी ना ऊपर से नीचे आ जाए, लेकिन पहाड़ों में ऐसी ज़िंदगी जी जाती है जहाँ पर रिस्क तो रहेगा ही है। चूड़ेश्वर महाराज का जो सबसे बड़ा जो गेट है हमें मिला है, यहाँ से हम ऊपर के लिए अब गाड़ी से पहले रास्ता तय करेंगे। और उनका बोर्ड लगा ये आपके देवदार के और सेब के जंगल आपको दिखाई देंगे। बहुत ही रमणीय स्थल है, बहुत ही प्रकृति के बीच में बसा ये एक छोटा सा गांव है, जिसको मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस नाम से जाना जाता है, लेकिन मुझे याद होगा तो मैं ज़रूर इसका यहाँ पर बताऊंगा। और सराजी बोलते हैं इसको, सराजी है। यहाँ पर एक महाराज जी रहते हैं, बड़े प्राचीन मंदिर है उनका, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। देखो ये रोड बड़ा ही छोटा सा रोड है, यहाँ इस रोड पर आपको खाली श्रद्धालु जाते हुए मिलेंगे जो वहाँ महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, जो चूड़ेश्वर महाराज हैं, जो बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। यहाँ पर से नीचे गहरी खाई है, देवदार के जंगल आपको मिल गए। ये आगे जाके मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो देवदार के घने जंगलों से ऊपर निकल रहा है रास्ता। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, यहाँ पर कोई आव जावी नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा कच्चा रोड अभी मिला है, आगे और भी खूबसूरत रोड आपको दिखाई देगा, लेकिन प्रकृति की शांत वादियों में हम निकल रहे हैं। मन करता है कि यहाँ रुकें और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, लेकिन जैसा कि यहाँ कोई मुझे इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, गाड़ियाँ तो एक आध दिखाई दे रही है, शायद वो श्रद्धालु होंगे जो दर्शन करके आ चुके होंगे या जा रहे होंगे। जैसा कि यहाँ बोर्ड भी लगे हैं कि यहाँ पर जंगली जानवरों का भी थोड़ा सा खतरा है, तो इसलिए हो सकता है कि हम थोड़ा सा इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से भी रोक रहे हैं। लेकिन आगे कितना खूबसूरत दृश्य, यहाँ एक ही प्रजाति के पेड़ दिखाई देते हैं, वो हैं देवदार के पेड़, जो देवों के समतुल्य इनकी मान्यता है। ये देवताओं के पेड़ हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं, ऊंची ऊंची इनकी जो है शाखाएं हैं, शिखर हैं, और थोड़ा आराम से चला लो, कई सौ वर्षों तक ये एक साथ एक जगह पर खड़े रहते हैं। राम राम से चलो, राम राम, इनका मजा आ रहा। एक जगह स्थिर रहना एक देवता की के समान ही इनको पूजा जाता है। इनकी लकड़ियां यहाँ पर यहाँ के लोकल लोग घरों में भी यूज करते हैं, और इन्हीं लकड़ियों के द्वारा घरों का बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि ये लकड़ी जो है इसकी बहुत हल्की होती है और कई हजारों सालों तक इसकी उपयोगिता बनी रहती है। और सुरक्षा की दृष्टि से और ठंड अत्यधिक होने के कारण भी इस लकड़ी का उपयोग। हम अब यहाँ से पैदल चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मैडम है थोड़ा इनके पाँव में दिक्कत तो है, लेकिन इनका जोश और उत्साह लाजवाब है। ये खचरों के ऊपर सामान जा रहा है, कंबल वगैरह जो यहाँ व्यवसाय जो मंदिर समिति के लोग हैं वो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर बड़ी परिश्रम से यहाँ तक सामान पहुँचाते हैं, जिसको 5-6 घंटे लगते हैं। बेटा है साथ में, मैडम और बेटा थोड़ा थक गए हैं तो इसलिए आराम भी कर रहे हैं, लेकिन जब खचरों को देखते हैं कि एक जानवर कितना ताकतवर होता है, कि मैं भी अपना थोड़ा सा, मेरे को फोटोग्राफी का शौक है तो मैं भी थोड़ा सा पूरा हर एक चीज़ अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। मैडम बहुत मुश्किल चढ़ रही है, लेकिन उसकी जो श्रद्धा है शिव के प्रति वो अथाह है, जिसको मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। लेकिन देखो बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंची जगह पे होना अपने असाधारण है, कि कैसे यहाँ इतने बड़े पत्थर पहुँचे जबकि नीचे कोई पत्थर नहीं दिखाई दिया हमें। ये अभी हम 10 से 11 हज़ार फीट की हाइट पर चल रहे हैं और बेहद ठंड है। ये हम ऊपर एक तटीय एरिया मिलेगा हमें, जो बिल्कुल प्लेन है, समतल है। इतनी ऊंचाई पर एक
ग्राउंड भी हम देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु लंबी कतार में अपना सीधे सीधे चल रहे हैं। मैडम बड़े मुश्किल से यहाँ तक पहुँच गई है क्योंकि उसके पैर में पिछले 6 महीने से काफ़ी दिक्कत है, लेकिन वो जय शिव के नारे के साथ वो अपने आप को उत्साहित कर रही है, क्योंकि होना भी चाहिए। भगवान के प्रति एक आस्था है तो वो शक्ति तो वही देता है, लेकिन आपको हौसला तो दिखाना ही पड़ेगा। ये देखो बहुत खूबसूरत जगह, मनोरम दृश्य है। ये अब नीचे के पहाड़ बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, अब यहाँ से और चढ़ाई लगेगी ऊपर। ये सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। अभी हम आपको एक गुफा के दर्शन कराएंगे, जो एक साधु महात्मा हैं जो गुफा के अंदर यहाँ 6 महीने रहते हैं। देखो इन्होंने पत्थर के नीचे एक गुफा बनाई है और बड़े तरीके से इन्होंने दरवाज़ा बना रखा है। कुछ श्रद्धालु अंदर बैठे भी हैं। जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने ही इसी कुटिया में रहता हूँ, इसी प्रकृति से बनी गुफा के अंदर रहता हूँ। मैडम ने वहाँ दर्शन किए और वापस बाहर आई। ये हमारी धर्मपत्नी है जो दर्शन करके आ गई। मैं आपको अंदर महात्मा के दर्शन करवाता हूँ। सन्यासी हैं, बिना कपड़ों पर बैठे हैं और कुछ दिखा रहे हैं वो अपने श्रद्धालुओं को। ये पूरी पत्थर की चट्टान है, अंदर ही ये इनके पास सारे साधन हैं, खाने पीने के, सोने के। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेगी। और सामने शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, जो दर्शन करते हैं ये अपना वहीं से तपस्या भी करते हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर ये शिवलिंग है कि यहाँ पर हमें एक ढाबा मिला है जो बिल्कुल अकेला है, एकांत है। और हमने इससे पूछा भी क्या क्या बनाते हो, ये बताते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत जगह रहते हो आप, बहुत बढ़िया, अच्छी कुटिया है और उसी में चाय बन रही है, उसी में खाना बन रहा है, यही सो गए हैं। और बोले के भक्तों का भी सेवा करते रहते हो, भक्तों की सेवा के लिए बैठे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? उदय ठाकुर सर। उदय ठाकुर साहब, क्या बात है, नाम भी बड़ा आपका गजब का है। क्या करे जनाब, मजा आ गया। आप 6 महीने यहीं रहते हो? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, तो चाय जो भी बनाते हो? हाँ जी सर, चाय, मोमो, चाउमीन, मैगी। अच्छा, मोमो बन रहे हैं? सब सब चाइनीज खाना बनाते हो, यहाँ का लोकल भी बनाया करो? नहीं नहीं, मोमो सही है। वो तो कैसे देते हैं, एक प्लेट? हमने जब इससे बात की तो बड़ा ही अच्छा लगा कि इतनी ठंडी जगह में एक इसका एक अपना ढाबा है जो अपना पूरे 6 महीने के लिए यहाँ रहता है और इसी के अंदर अपना खाना पीना सोना सब कुछ है। और हम यहाँ से ऊपर निकले हैं तो मैडम अपना बड़े ही हिम्मत करके चल रही है। देखो ऐसे ऐसी पहाड़ियों के बीच में, ऐसे ऐसे पत्थरों के बीच में रास्ते बने हैं जिसमें से निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। अगर हमको उस खूबसूरत जगह जहाँ प्रभु रहते हैं उनके दर्शन करने हैं तो चलना तो पड़ेगा ही। बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ पत्थर हैं, इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े पत्थर होना बड़ा ही सोचने को मजबूर करता है कि इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े शिलालेख कैसे पड़े हैं। या तो लाखों वर्षों पहले समुद्र रहा होगा या फिर कोई ना कोई यहाँ पर युद्ध हुआ होगा, जैसा हमारी मैडम बता दी है कि मैंने कहीं पढ़ा है। देखो ये मंदिर है जो यहाँ पर शिलगुरु महाराज का मंदिर है, चुड़ेश्वर महाराज का। देखो बहुत ही पौराणिक शैली में बना है। यहाँ पर इनका अपना एक तालाब है जो छोटे छोटे से मंदिर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पानी भरा रहता है, इसको नीचे ये श्रद्धालुओं को नहलाते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, कहते हैं कि इसी से स्नान पूर्ण हो जाता है तभी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए अंदर जाता है। बावड़ी बोलते हैं इसको अपने स्थानीय भाषा में, बावड़ी मतलब पानी। यहाँ से ऊपर दर्शन करने के बाद हम ऊपर निकले, इतनी बड़ी बड़ी पठारों के बीच में अपना पत्थरों के बीच में ऊपर निकल रहे हैं जहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई है। बहुत ही विकट पहाड़ हैं, इसको उनको पार करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन प्रभु की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है कि वहाँ तक पहुँचना है जो सामने चोटी दिखाई दे रही है। वहाँ जगह देखनी है कि जहाँ पर प्रभु शिव जी की विशालकाय मूर्ति है, त्रिशूल है, वो देखने का एक मन है।
इसीलिए हर श्रद्धालु वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही जैसे मैडम कहती है कि मैंने गीता में भी पढ़ा है कि जब भी बड़े बड़े महायुद्ध हुए हैं प्राचीन काल में, बड़े बड़े क्या कहते हैं कि जो है तपस्वी राजा और अवतारी पुरुष जब भी आपस में युद्ध हुए तो उनकी ये शिलाएं मरने के बाद बनी हैं जो पत्थर का रूप देकर आज भी विराजमान है। कहाँ कहाँ रहते हैं महादेव? जैसे पांडवों के समय में बड़े युद्ध हुए, बहुत लोग उसमें बहुत योद्धा मारे गए, बहुत ही शक्तियाँ थी उसमें जो उसमें शामिल थी जो युद्ध में मारे गए, उनके ये शिलालेख हैं जो वहीं के वहीं इनको एक पत्थरों के रूप में तब्दील हो गए। और आज भी हमें देखो खूब दिखाई दे रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े पत्थर का होना असामयिक है। सोचने को मजबूर कर रहा है कि और आज तक ये ना गिरे हैं ना फिसले हैं, जबकि इतनी ऊंचाई पर कहते हैं यहाँ पर 20-20 25-25 फीट बर्फ़ पड़ती है, 6 महीने ये बंद रहता है ये दर्शन यहाँ पर प्रभु का जोड़ेश्वर महाराज का, क्योंकि यहाँ बर्फ़ से लग तक होती है पानी, नवंबर से लेके मई तक यहाँ पर बर्फ से ही पहाड़ लगे रहते हैं और बर्फ़ के कारण यहाँ पर कोई पेड़ भी नहीं हो पा रहा है, सिर्फ पत्थर के शिलालेख पड़े हैं जो सिर्फ 6 महीने यहाँ पर बर्फ़ के पिघलने के बाद दिखाई देते हैं। बहुत ही देखो बहुत ही नीचे, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना चढ़ाई है, कितना पैदल रास्ता तय करना होता है, लेकिन महिला हो बुजुर्ग हो बच्चा हो इस चुड़ेश्वर महाराज की कृपा है जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे आज की पीढ़ी युवा पीढ़ी जो कभी चलती नहीं है वो भी यहाँ पहुँच रही है और बिल्कुल स्वस्थ हैं मस्त हैं, जबकि यहाँ पानी भी नहीं है इतनी ऊंचाई पर, एक ही बोतल पानी में 3 दिन 4-4 लोग सफ़र कर अपना आगे बढ़ रहे हैं। और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है जंगल, ये पूरा देवदार का जंगल है, बड़ा घना जंगल है। कुछ में अभी आग, इस बार आग बहुत लगी है जंगलों में और यहाँ भी मुझे कुछ आग के दृश्य दिखाई दिए हैं जो बड़े ही दुखद हैं, जिसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में कि किस तरह वहाँ आग लगी पड़ी है, किस तरह वहाँ जब मैं वापस नीचे जाऊँगा तो आपको ज़रूर वहाँ के दर्शन भी कराऊँगा कि हमारे खूबसूरत पेड़ कैसे जल रहे हैं जो 100-100 फीट के ऊंचे पेड़ हैं। ये देखो ये ऊपर शिव जी महाराज विराजमान है, उनका उनको दर्शन करने के लिए हर श्रद्धालु व्याकुल है कि कब ऊपर पहुँचे और कब प्रभु के दर्शन हों और कब हम अपनी यात्रा को पूर्ण कर वापसी के लिए अपने आशीर्वाद लेकर घर पहुँचे और जो भी मन्नतें हैं वो पूरी हो, ऐसा सभी विश्वास के साथ जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बेटा माँ को बिल्कुल साथ रखे हुए हैं कि माँ कहीं गिर ना जाए, क्योंकि माँ के पैर में दिक्कत तो है। जो इंसान 6 महीने से बेड पे पड़ा हो उसके बाद इतनी लंबी यात्रा कर रहा हो तो उसको उसके जज्बे को सलाम तो करना ही पड़ेगा, और जज्बा हो भी क्यों ना, क्योंकि वो शिव की भक्त जो है मैं जब भी उसको देखता हूँ पूजा करते हो तो शिव के चरणों में लीन रहती है, हर समय शिव की बातें करना, जब कभी पूजा पाठ होता है व्रत होता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी धर्मपत्नी मिली है जो शिव की आराधना में अपने आप को डूबे रहती है। मैं उतना भक्त तो नहीं हूँ लेकिन मैं हाँ आस्तिक जरूर हूँ, मैं मानता हूँ लेकिन इतना नहीं हूँ कि मतलब ये तो शिव के दर्शन हो गए। बहुत अच्छी मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत है शिव जी महाराज, हमारी परिवार को राजी खुशी रखे, सलामत रखे, जो कुछ आपका दिया हो उसको बस ठीक रखे और हमारा परिवार सुख शांति से रहे, मेरा बच्चा आगे बढ़े खूब तरक्की करे स्वस्थ रहे, उसका आगे का जीवन बढ़िया हो। और मूर्ति के नीचे देखो छोटी सी गुफा है जहाँ पर पंडित जी बैठे हैं, वो अपना सबको टीका लगा रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं,
ऊपर शिव जी हैं, नीचे उनके पुजारी हैं। ये बड़ा ही ये यहाँ पर शिवलिंग है जो उस आकार शिव का शिवलिंग के आकार का बना है, लिंग के आकार का बना है, और लोग वहाँ पर पुष्पांजलि कर रहे हैं। ये मैडम आपका जो त्रिशूल है वहाँ फोटो खिंचवा रही है, क्योंकि उसको बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है। देखो इतने पहाड़ों को पार कर पैदल पहुँचे हैं यहाँ पर। मुझे भी सौभाग्य मिला फ़ोटो खिंचवाने का, क्योंकि जो वीडियोग्राफी करता है उसको बहुत कम चांस मिलते हैं कि अपना फ़ोटो भी लिया जाए। एक कौवा मुझे एक कैमरे में कैद हुआ है कि वो क्या अकेला उड़ रहा है। मैडम नीचे को अपना यात्रा पूर्ण कर बड़ी खुशी व्यक्त कर रही है कि मैंने बड़ी बहुत बड़ी यात्रा पूरी की है, प्रभु कृपा से मैं ये कर पाई हूँ। और अब नीचे उतरना भी बड़ा टफ होता है जब आदमी नीचे चलता है, क्योंकि नीचे का जो सफ़र होता है वो घुटनों के लिए शरीर के लिए बड़ा ही बैलेंस बनाकर चलना होता है। ये आपको जो पहले दिखाई दी वो शिलालेख दिखाई दी थी, उसको बोलते हैं नीली घोड़ी के रूप में। यहाँ जो नीचे श्रद्धालु रुके हैं रात को, वो डांस करके अपना पूरा रात काटते हैं। कुछ हिमाचली डांस चल रहा है यहाँ पर, जिसमें मैडम यहाँ पर इनके साथ रही। मैंने एक छोटी सी वीडियो उनकी भी बनाई। ऊपर से दर्शन करने के बाद नीचे हम बिजट महाराज के मंदिर के पहुँचे, और ये बहुत ही प्राचीन शैली में बना मंदिर है और 16वीं सदी का बना हुआ मंदिर, बड़ा ही आकर्षक वो खूबसूरत है। दोस्तों आप भी ज़रूर यहाँ पर आके इनका दर्शन करिएगा, और चूड़ेश्वर महाराज की यात्रा पर जरूर जाइएगा। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही रमणीक व मनोरम दृश्य आपको दिखाई देंगे। जय हिंद, जय भारत।